और चलिए एक और अहम खबर की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में घिरते हुए दिख रहे हैं। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से 5 सांसदों के नामों का जिक्र कर दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। और अब इस पूरे मामले में राघव चड्ढा के खिलाफ बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पी कोनियाक, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और AIADMK नेता थंबी दुराई ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कहा गया कि जो हस्ताक्षर सहित जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें इन नेताओं के भी नाम थे जो इन्होंने किए ही नहीं। और अधिकार कमेटी के पास अगर ये हनन प्रस्ताव जो है, अगर इस पर दोषी पाए जाते हैं राघव चड्ढा, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो प्रावधान है उसके मुताबिक राघव चड्ढा की सांसदी भी जा सकती है। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है राघव चड्ढा की। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसका जवाब नोटिस मिलने पर जरूर देंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा में 7 अगस्त को दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो चुका है। अब इसे लेकर सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर फ्रॉड का आरोप लगाया। कल जो तस्वीरें सामने आई उसमें फर्जीवाड़े फ्रॉड का आरोप खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया। अमित शाह ने कहा कि सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बिल के विरोध में राघव चड्ढा ने जो मोशन प्रस्तावित किया था उसमें 5 ऐसे सांसदों का नाम शामिल है जिन्होंने इस पर सहमति नहीं दी थी। शाह ने कहा कि इन सांसदों के नकली सिग्नेचर करवाए गए और संसद के प्रिविलेज कमेटी को इस फ्रॉड की जांच करनी चाहिए। अब राघव चड्ढा पर साजिश और फ्रॉड के आरोप लगे हैं और इसके बाद में अब माना जा रहा है कि जब जांच होगी, जब एक्शन की बात होगी, तो हो सकता है कि उनकी संसदीय सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। इस पूरे मामले में जहां राघव चड्ढा का कहना है कि नोटिस मिलेगा तब जवाब देंगे। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए थे। सुनाते हैं आपको दोनों नेताओं ने इस पर क्या रिएक्शन दिए। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मैं, जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पुलकित नागर जुड़ गए हमारे साथ, अमित कुमार जुड़ गए हैं। पहले मैं पुलकित आप ही का रुख करता हूं, क्योंकि सवाल राघव चड्ढा से पूछा गया तो उन्होंने बहुत सहजता के साथ कहा कि मुझे जब जवाब देना होगा तो नोटिस के बाद जवाब दूंगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है उनके लिए जवाब देना, क्योंकि आरोप जो है वो बहुत गंभीर है और विशेषाधिकार हनन का जब आरोप लगता है तो इसमें सांसदी जाने का भी एक प्रावधान है। देखिए, संजय सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर जवाब दिया है। संजय सिंह का ये कहना है कि सिलेक्शन कमेटी का जो चयन है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी में नामों का जो प्रस्ताव है उसमें ना तो किसी सिग्नेचर की जरूरत होती है ना किसी कंसर्न की जरूरत होती है। ये एक प्रस्ताव है कि इन इन लोगों को सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया जाए और जब ये बिल सिलेक्शन कमेटी के पास हो तो उसमें कोशिश ये होती है कि तमाम जो दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो इसके अंदर रहे ताकि सही से फैसला किसी चीज पर हो सके, किसी बिंदु पर सही फैसला हो सके। और इसीलिए आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा का चेहरा आपने देखा कि वो चिंतित नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी और संजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी एक प्रस्ताव है, अगर किसी सांसद को इसमें नहीं रहना है तो वो मना कर सकते हैं, दूसरा नाम उसमें प्रस्तावित हो सकता है। तो इसमें ना तो किसी साइन की जरूरत है ना किसी कंसर्न की जरूरत है। ये आम आदमी पार्टी का पक्ष है जो थोड़े दिन पहले संजय सिंह ने दिया है। जी ठीक है, लेकिन अमित, इस बात को जरा समझाइए, क्योंकि कल खुद अमित शाह ने निशाना साधा था और फ्रॉड तक कहा था राघव चड्ढा को। आज भी माना जा रहा है कि ये मामला बिल्कुल जरूर उठेगा। ये समझाइए कि अब आने वाले वक्त में किस तरह की मुश्किलें राघव चड्ढा के लिए खड़ी हो सकती हैं। देखिए, मुझे लगता है दो तरह की मुश्किलें राघव चड्ढा के लिए है, क्योंकि जो बातें कही गई सुष्मित, जो कि बीजेडी सांसद, उन्होंने साफ तौर पे सदन में ये उठाया कि जो नियम है 72A उसके तहत उनके नाम का अगर कोई लेता है तो किसी चीज के लिए तो उसमें उनकी सहमति होनी चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। बिना सहमति के आप नाम भी नहीं उनका ले सकते हैं सेलेक्ट कमेटी के बारे में। तो ये नियम के तहत उन्होंने विशेषाधिकार हनन की जो बात कही है, अगर उस विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है।
दूसरा मामला ये भी बन सकता है कि उनके ऊपर फॉर्जरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हो सकता है, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं। तो इस दो तरह की मुश्किलें और आने वाले वक्त पर राघव चड्ढा को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पांचों सांसदों का जिन्होंने नाम लिया, उन पांचों सांसदों ने सदन में खड़े होकर ये कहा कि उनसे न सहमति ली गई न उन्होंने कोई हस्ताक्षर किया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उनका नाम क्यों लिया गया, कैसे लिया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लिया। अमित, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अगर जांच करवाई भी जाती है, विशेषाधिकार हनन के मामले में जांच करवाई भी जाती है संसद के स्तर पर, तो फिर उसका आधार क्या होता है और फिर वो कितनी गहनता से करवाई जाती है और उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं उन सांसदों को जिन्होंने राघव चड्ढा के प्रस्ताव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, उनका क्या कहना है जरा सुनिए। ने आपका नाम लिया और आपने कहा कि आपने नहीं मोशन मूव किया था, इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? ऑलरेडी जब राघव चड्ढा ने मोशन मूव किया था उसमें मेरे हिसाब से 17-18 नाम थे, उसमें पहला नाम मेरा था, तो वो टाइम ही मैं खड़ा हो गया, स्पीकर साहब को बोला कि भाई मैं जानता नहीं हूँ, ये मोशन में सिलेक्ट कमेटी में ले जाने के लिए जो उन्होंने बात की है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, ये मेरा नाम निकाल देना चाहिए और ये मेरे अप्रूवल के बिना उन्होंने जो किया है, और अगर साइन करके देना है कागज तो मेरी साइन भी नहीं है, तो उस पर जो भी कायदे से लीगली जो राज्यसभा के रूम से उसी हिसाब से कार्यवाही करनी चाहिए। आपने रिटर्न में कंप्लेंट अपनी रिटर्न में आज देने वाला हूँ, स्पीकर साहब को रिटर्न में कागज देने वाला हूँ। वो सिलेक्ट कमेटी का रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा था, कई सारे सांसद मूव किए जा रहे थे चेयर से, तो अचानक मैंने सुना कि मेरा नाम माननीय श्री राघव चड्ढा जी के एक रेजोल्यूशन में मेरा नाम मैंने पाया, अचानक आया, सो आई इमीडिएटली रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और एज पर रूल 72(2) कि अगर एक सदस्य के बिना इन्फॉर्मेशन के या उनके कंसेंट के आप उनके नाम को सिलेक्ट कमेटी में ले नहीं सकते या किसी कमेटी में ले नहीं सकते। यू सी आई हैव गिवन अ कंप्लेंट ऑफ माइन, मैंने अपना कंप्लेन दिया है, तो अभी तो हाउस खत्म हुआ है, देन द मैटर इज ऑलरेडी बीन मूव्ड एंड द चेयरमैन इज सीज्ड ऑफ द मैटर, सो आई एम श्योर दे विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड इट इज ऑफ कोर्स मैटर ऑफ प्रिविलेज एज वेल। आई हैव अ रेज इन द बिफोर इटसेल्फ एंड गिव अ लेटर टू द चेयरमैन रेफरिंग टू द प्रिविलेज कमिटी, हाउ माय नेम इज इनकलूडेड आई डोंट नो, I have not signed any document like that. Therefore, somebody may be misused my name and forgery signature would have included. Therefore, I requested the chairman of the Rajya Sabha. तो आपने उन सांसदों को सुना जिनके नाम उस प्रस्ताव में थे। हालांकि इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अटैक बोला। अनुराग ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और अनुराग ठाकुर ने कैसे निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर वो आपको दिखाते हैं। कल केजरीवाल जी तिल मिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग से पहले राघव चड्ढा ने पेश किए गए प्रस्ताव पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं, इस पर आज भी राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले कल यानी कि सोमवार को बिल पर बहस के बीच भयंकर टकराव देखने को मिला था। विरोधियों के वो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करारा जवाब दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को तो घेरा ही, बिल पर साथ दे रहे कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने संसद में टाइम्स ऑन भारत के ऑपरेशन शीश महल का भी जिक्र किया निशाना साधा। सुनिए, उन्होंने दो बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया, और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं,
या किसी और कारण से आए हैं ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है, तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल? तो आपने सुना, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जब जब ये बिल पेश किया गया तब तब यहां पर जरूर एक अलग तस्वीर नजर आई थी। लेकिन पुलकित टाइम्स ऑन अब भारत ने ऑपरेशन शीश महल दिखाया, उसका भी जिक्र अब सदन में भी हुआ, लोकसभा में भी बात हुई, अब राज्यसभा में भी हुई, उसकी गूंज के साथ में लगातार निशाना साधा गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, गृह मंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में जब जब बिल पेश किया, शीश महल का जिक्र करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो लगातार अधिकारियों की मांग कर रही है कि ये सर्विसेज उनके पास आनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे तर्क ये है कि वो इसी तरीके से सर्विसेज विभाग को, विजिलेंस विभाग को और साथ ही शीश महल जैसे फैसले लेंगे? और शीश महल का जिक्र लगातार कल राज्यसभा के अंदर होता रहा कि किस तरीके से वहां करोड़ों के पर्दे लगाए गए, करोड़ों का पत्थर लगाया गया और किस तरीके से टेंडर इशू किए गए, जबकि उन्हें 10 पूरा एक टेंडर इशू करना था लेकिन 5 हिस्सों में छोटे छोटे टेंडर कैसे इशू किए। शीश महल लगातार राज्यसभा और लोकसभा का बड़ा मुद्दा इस चर्चा के दौरान रहा है जी। लेकिन अमित, दो बातें, एक तो शीश महल पर लगातार बीजेपी ने निशाना साधा, दूसरी तरफ जिस तरीके से राघव चड्ढा का जो सिलेक्शन कमेटी वाला मामला सामने आया उसको लेकर भी बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे डिबेट के दौरान ये जो एक्सपोज अगर आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश थी, और खुद अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि पूरी जो कोशिश है, पूरी जो कवायद है, वो किसी ट्रांसफर पोस्टिंग पर कब्जा करने के लिए या अधिकारियों पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि जो केजरीवाल सरकार और केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार है, जो शीश महल का भ्रष्टाचार है, उसको छुपाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि अगर देखिए तो दोनों डिबेट में इस बात को बार बार रखा गया कि आम आदमी पार्टी का जो बहस है वही नियमता गलत है। एक तरफ शीश महल के जरिए घेरने की कोशिश की और दूसरी तरफ अरविंद ये राघव चड्ढा के जो फर्जीवाड़ा है उसको वो जिस तरह से सामने उजागर हुआ है, इससे साबित करने की कोशिश। इसलिए कल अगर आपको याद हो तो अमित शाह ने ये कहा था कि दिल्ली के विधानसभा में फर्जीवाड़ा करते थे, अब तो देश के जो संसद है वहां पर भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और इसलिए इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है राघव चड्ढा के लिए भी मुश्किल का वक्त अभी शुरू होने वाला है। उनके बयान से अब देखते हैं कि वो किस तरह से अपना बचाव करते हैं, लेकिन इस मामला को आगे तो बढ़ेगा। इसमें एक नियम है कि विशेषाधिकार हनन के पास आप जब जाते हैं उस कमेटी फिर आपसे पूछताछ करती है, आपका बयान दर्ज करती है और उसके बिल्कुल अब वो आगे की तस्वीर देखने वाली बात है क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इसी बीच राघव चड्ढा मामले में अपने दर्शकों को बताएं, संजय सिंह का बयान सामने आया है, उनका कहना है सदस्यों का नाम प्रस्तावित करने के लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, संजय सिंह ने ये बात कही। तो अब आम आदमी पार्टी का जवाब सामने आया, इससे पहले राघव चड्ढा कह रहे थे मेरे पास नोटिस आएगा तो मैं जवाब दूंगा, और संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर सिलेक्टिंग कमेटी के लिए नाम देना होता है तो उसके लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती, जैसा कि इस पर हमारे सहयोगी पुलकित ने भी बताया था कि यहां पर आम आदमी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि ये तो नाम प्रस्तावित किए गए थे। तो आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया, संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्यवाही के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है, और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है, और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया, अगर उन लोगों को अपना नाम